चलो जी शुरू करते हैं। कल हमने एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स स्टार्ट की थी, राइट? एंड वी सॉ दैट के कोई ना कोई फिजिकल फोर्स जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें रिवाइज कर लिया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, कर लिया सर। ठीक है जी, आज कंटिन्यू करते हैं इसको। कंटिन्यू करने से पहले आई विल शो यू सम वीडियोस। मैंने बोला था कल कि डेथवेल पता है तुम लोगों को, सबको है ना? यस सर, यस सर। मौत का कुआं देखा है सबने? यस सर, यस सर। उसमें भी वो जो अंदर बाइक वाला या गाड़ी वाला जो होता है वो भी एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है ना? तो उसमें भी कोई ऐसी फोर्स है जो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करेगी। तो कुछ वीडियोस देखते हैं पहले, फिर उन सब केसेस को, उन वीडियोस से रिलेटेड सारे एक एक करके केसेस को हम लिखेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो दिख रही है? यस सर, यस यस सर। ठीक है, जिनको नहीं पता मौत का कुआं क्या होता है वो देख लो। तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन सी फोर्स इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी? ये जो हॉरिजॉन्टल चक्कर में घूम रहा है, डायरेक्ट कुछ भी, गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट गुरकर्मन, नॉर्मल, यस करेक्ट। किसने बोला ये? सुरभि ने सर, यस सर। ठीक है, इट इज द नॉर्मल फोर्स। इस बाइक पे जो नॉर्मल फोर्स, ये मौत का कुआं, इसकी दीवार जो इस बाइक पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो फोर्स जो है यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट कर रही है। दो गाड़ियां, दो बाइक वाले। यस सर, इसमें कोई स्पीड फैक्टर भी तो लगता है? ही होगा, मेरे को देख देख के डर लग रहा है। नहीं सर, स्पीड भी मतलब कोई रोल प्ले करती है? बट पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर नीचे गिर गए सर तो? इनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव स्पीड है ना, नहीं तो खुद में चक्कर मार जाएंगे। ये गिरते, देखो ये गिर नहीं रहे है ना, ये गिर ना गिरे इसके लिए इनकी कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। यस सर, सर मैं वही पूछ रहा था। अगर ये उस स्पीड से, देखो यहाँ पे इन्होंने हाथ वाथ छोड़ के चला रहे हैं, तो इन्होंने एक पर्टिकुलर स्पीड पे सेट कर रखा है इसको, है ना? तो वो इन्होंने स्पीड जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने स्पीड को है जो सेट कर दिया। अगर उस स्पीड से कम हो जाएगी स्पीड तो ये गिर जाएंगे। वो कितनी स्पीड होनी चाहिए वो हम डेथ वेल का जो टॉपिक करेंगे उसमें निकालेंगे। कम से कम इतनी स्पीड से उनको चलाना पड़ेगा, अगर उससे स्पीड कम हुई तो ये नीचे गिर जाएंगे। नॉर्मल कम हो जाएगी, नहीं मिल पाएगी सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो नहीं मिल पाएगी घूमने के लिए, और वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, वी विल डू दैट कैलकुलेशन एज वेल। अगर ज्यादा हो जाएगी
क्या अगर ज्यादा हो जाएगी अगर ज्यादा हो जाएगी मतलब जितनी स्पीड चाहिए ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो अगर ज्यादा दे दे फिर कोई दिक्कत नहीं है मिनिमम स्पीड का फंडा है ठीक है सर बहुत रिस्की है यस सर दमन वाली भी दिखा दो सर सर इन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी सर अगर इनकी हो जाए तो नहीं गिरेंगे ये तो गिर जाएंगे मतलब सर सर आपके पास हमारी आवाज आ रही है तो इसमें ये देखा है कभी वैसे मैंने नहीं देखा ये इंडिया में सर देखा सर्कस में देखा था मैंने तुम्हारे तुम लोगों की आवाज इसलिए नहीं आ रही मेरे पास मैंने यहाँ से वॉल्यूम ये थोड़ी वीडियो की वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए मैंने कम कर रहा हूँ हम सर बोली जा रहे हैं सर अगर डेथ वॉल वाले केस में स्पीड कम हो जाए तो वो बंदा गिर जाएगा नीचे गिर जाएगा वो ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कम होने से गिर जाएगा कम होने से गिर जाएगा सर उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है इन लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी जो लोग डिजाइन करते हैं ना डेथ वेल उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसकी सर अगर सर ये ऊपर कैसे जाते हैं देखो ये तो यहां पे तो चलो देसी सा काम चल रहा है अदरवाइज जहां पे ये तो अंग्रेजों की वीडियो है ये वाली तो जो अभी पता लग गया तो प्रॉपर जो राइट्स वाइट सारी डिजाइन होती है सारी ये प्रॉपर इंजीनियरिंग लगती है उसके पीछे यहाँ पे ये सर्कल जो घूमेंगे हॉरिजॉन्टल में भी घूमेंगे वर्टिकल में भी घूमेंगे दोनों टाइप का सर्कल होगा दोनों टाइप ऑफ सर्कल्स हमारे सिलेबस में भी हैं तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो पाए नीचे ना गिरे आगे वीडियो दिखाऊंगा उसमें वो स्केट्स वाला बंदा नीचे गिर भी जाएगा लेट्स कम टू दैट पॉइंट नहीं कैसे करते हैं लोग इतना खतरनाक स्टंट ये देखो ये वाला गिर गया सर ये नहीं गिर गया इससे अगले वाला ये देखा तुम लोगों ने ये जो ब्लैक वाला भी बंदा है ब्लैक कपड़ा वाला कौन सा वाला सर कौन सा सर इसने दोबारा दिखा रहा हूँ जो गिरा है अभी ये ऊपर जब गया ना ऊपर पूरा टॉप पॉइंट तक पहुंच नहीं पाया ध्यान से देखना ये नहीं अगले वाला
सर ऊपर ही गिर गया इनके ये तो। हाँ ये गिर गया ना ऊपर, टॉप बाहर निकल गया सर, ये टॉप तक पहुंचा नहीं, ये टॉप तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, इसका वर्टिकल सर्कल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। वर्टिकल सर्कल इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया कि किसके पास जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है ना लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल पे, वो इसके पास थी नहीं। ठीक है, और वो कितनी होती है उसकी कैलकुलेशन भी है, रूट ऑफ 5gr जो वेलोसिटी है वो उसके पास होनी चाहिए तभी वो सर्कल कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज सर्कल कंप्लीशन वुड नॉट बी पॉसिबल। सर जो गिर गया वो, जो गिर गया वो, उसने तो हेलमेट पहना है। नहीं चोट के बारे में नहीं, वो कैसे गिर गया ऐसे क्या वो गिरा, उसका भी यही था, उसकी वेलोसिटी कम थी सर। हाँ हाँ, उसी उसी की वेलोसिटी कम थी ना इसलिए गिर गया वो। ओके सर, देखो दोबारा, अब कंप्लीट हो गया इसका। तो कितनी वेलोसिटी चाहिए टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, वी विल बी डूइंग दैट आल्सो। ठीक है, अब तुम लोगों को एक अपनी क्लास की वीडियो दिखाता हूं। ये छतरी है, अम्ब्रेला। ठीक है, तो अभी तो स्टेशनरी अम्ब्रेला है, तो बॉल जो है इसके बीच में मैंने बॉल रखी, तो ऑब्वियसली बॉल जो है वो अगर मैं साइड पे भी रखूंगा, यहाँ पे भी रखूंगा साइड में, तो बॉल जो है वो लुढ़क के सेंटर में आ जाएगी। हाँ के ना? यस यस, ऑब्वियसली आ जाएगी, बॉल शेप्ड है, नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस छतरी को घुमाने लग जाऊंगा तो बॉल किधर को जाएगी? स्टेबल रहेगी, बाहर को, टेंजेंशियली जाएगी, टेंजेंशियली है ना, बाहर की तरफ जाएगी। यस, छतरी के मतलब आउटर, इसका रेडियस जो है ना तो सेंटर से दूर हो जाएगी। ठीक है, कम स्पीड से घुमाऊंगा तो बाहर कम जाएगी, ज्यादा तेज घुमाऊंगा तो ज्यादा बाहर जाएगी। हाँ के ना? यस यस, दैट मींस एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो एक पर्टिकुलर दूरी पे जाएगी और वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। स्पीड बढ़ा दूंगा तो थोड़ा और दूर जाके इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, स्पीड कम करूंगा तो थोड़ी पास आके फिर इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। एम आई राइट? यस सर, यस सर। तो उसकी थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन है, आई ट्राई टू डू दिस, बट ऑब्वियसली मैं मैनुअली इसको कॉन्स्टेंट स्पीड पे मेंटेन रखना इट इज नियरली इम्पॉसिबल, इसलिए बॉल ऊपर नीचे होती रही, बट तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा देख। क्वेस्ट के बच्चे, तुम लोगों का सीनियर मैच, सीनियर नहीं सुपर सीनियर, लास्ट लास्ट ईयर की बात है। उन्होंने पेपर दे दिया क्या? उन्होंने पेपर दे दिया ना, मतलब क्या कह रही है निवेदिता? उन्होंने पेपर दे दिया ना सर, जिन्होंने देना था। हाँ, ये वो वाला बैच है जिन लोगों ने अभी पेपर दिया। ओके, अब एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जो
जैसे पहाड़ों में होता है जनरली, पहाड़ों पे जहां पे शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे जो रोड है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, इट इज यू नो रेज्ड, आउटर साइड से वो थोड़ी सी ऊपर उठी होती है ना, टेढ़ी होती है ना थोड़ी रोड, टेढ़ी सी होती है ना, है ना, दैट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड्स, उसको क्या बोला जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स, इंक्लाइंड सी होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ठीक है, वो इसलिए होता है ताकि अगर कोई मजे में गाड़ी चला रहा है और उसने थोड़ी थोड़ी सी भी तेज कर दी तो वो भगवान को प्यारा ना हो जाए, ठीक है, तो उसको थोड़ा बचाने के लिए उसको, अब देखो अगर बहुत ज्यादा फुकरी झाड़ेगा फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक वो बैंकिंग ऑफ रोड्स जो है वो हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। और सेंट्रिपेटल फोर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स कैसे मिलती है, सेंट्रिपेटल फोर्स मिलती है बाय, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं एक पहले रफ सा आइडिया देता हूँ उसके बाद वीडियो दिखाता हूँ, ये बैंक ये रोड है जो बैंक्ड है, यहाँ पे गाड़ी है, ये दो हेडलाइट्स हैं और ये बंदा बैठे इधर ड्राइवर चला रहा है, मतलब यूं समझ लो तुम्हारी तरफ आ रहा है ड्राइवर, ठीक है, तो ऐसे यूं चक्कर में घूमना है इसको, तो क्या है यहाँ पे एक नॉर्मल इस तरफ लगेगी, तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट जो है वो सेंटर की तरफ लगेगा, नॉर्मल का कंपोनेंट जो है वो सेंटर की तरफ लगेगा वो, तो नॉर्मल हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक दैट टर्न, ठीक है। ऐसा केस तुम लोगों ने और भी बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि किसी और को कोई और एग्जांपल दे सकता है, और कहां देखा है ऐसा, बैंकिंग फिर बाइकर्स जब चलाते हैं, बाइकर्स नहीं नहीं जो रेसिंग होती है वहां पे तो नहीं, बैंकिंग नहीं होती वो, बैंकिंग जो कल मैं तुम लोगों को एग्जांपल बता रहा था ना वो बाइकिंग वाली, तो उसमें वो बैंकिंग आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं खुद टेढ़े होके, वो खुद टिल्ट होके बैंकिंग आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, वहां पे रोड्स बैंक्ड नहीं होती। हॉट व्हील्स गेम खेली है तुम लोगों ने? यस yes, no, गाड़ियों वाली no, वो छोटी छोटी गाड़ियों की ट्रैक्स होती है, उसमें कितनी तेज भागती है गाड़ी वो, है ना, वो yes, भी टर्न लेती है। अब वो टर्न लेगी और अगर वहां पे वो ट्रैक जो है वो टिल्टेड नहीं होगा तो वो तो उड़ जाएगी, बाहर को उड़ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले उन लोगों को एक सिंपल रोड वाली वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे टर्न, ये थोड़ी ज्यादा कर दी इसने, यस सर बहुत ही सर, इन्होंने तो भावना भावना समझो इसकी, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे बैंक्ड होती है ताकि ज्यादा स्पीड पे भी टर्न हो सके, अगर बैंक नहीं होगी तो स्पीड बहुत कम करनी पड़ेगी टर्निंग। ठीक है, तो बाकी तो अब ये हॉट व्हील्स, ये देखी, ये दिख रही है बैंकिंग, यस सर, यहाँ पे यस सर, यस सर, टिल्टेड है ना, टिल्टेड है ना यहाँ पे ट्रैक, दिस इज एक्चुअली बैंक सर, ये है बैंकिंग ऑफ हॉट व्हील्स ट्रैक, ठीक है। हाँ रोलर कोस्टर के ट्रैक पे भी होता है बैंकिंग, वो तोड़ दिया उसने, हद हो गई, इतना अच्छा Thank you.
ठीक है, तो ये कुछ वीडियोस थी जिसमें तुम लोगों को फील आ गई होगी, अभी बैंकिंग की फील आ गई है ना? यस यस सर। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर थियरी। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाने से पहले जरा इस एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन कर दो तुम लोग। आंसर सर 2 मिनट्स में। नहीं वरुण, नहीं अर्शिया, M1 M2 के टर्म्स में आएगा अर्शिया? ना नहीं मिलन, L1 L2 की वैल्यू डालो मिलन। नहीं सिमन, नो सुरभि, अरे क्या कर रही हो जनता, आर्यन मेहता करेक्ट। नहीं तुषिता, नहीं मुस्कान, अरे जो हमने कल अभी किया था सेम, पहले M1 पे लगा दो, M2 पे लगा दो, 2 मिनट। सर जो आपने फॉर्मूलाज कराए हैं सीधा उसी वैल्यू पुट करनी है? नहीं यार, फॉर्मूला याद मत करो, बिल्कुल नहीं याद करना वो फॉर्मूला। ओके मर जाओगे भाई, कितने फॉर्मूले याद करोगे, मेरे को जिंदा चाहिए तुम लोग। ओके नहीं मिस्टर प्रबल करेक्ट, मिलन नौ, नमन नौ, खुशवीर ना, लतिकन्ना, महक नहीं, जिया नहीं, अरे यार सिमरन नौ, कुशल नौ, रिदम नौ, सिमरन नौ, मिलन्ना, निवेदितन्ना, अरे जनता क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, हैं हैं कैसे सॉल्व कर रहे हो,
सर 2m2 m1 आ रहा है सर आंसर। फिर से ट्राई करते हैं सर एक तो मेरा भी मतलब महकप्रीत सिंह थोड़ी सी गड़बड़ है। अनुप्रीत नावंजी खन्ना गुरकरमन गुरकरमन तुम्हारा आंसर सही है गुड। कितने बच्चों का आ गया था आंसर? एक गुरकरमन का है, उससे पहले किसका है? आर्यन है? आर्यन का सर। हाँ आर्यन का आया था। भाविका करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। एल में तो नहीं आंसर, सिर्फ एम के टर्म्स में है ना? एम हाँ एम के टर्म्स में आएगा। ठीक है सर। अनुरीत क्या कर रही हो तुम? बीच में इक्वल टू कहां से आ गया? क्या लिखा है ये? नहीं कुछ भी। ओके किस पहले M2 पे लगाते हैं? सर दो मिनट सर मेरा देखना। सॉरी अच्छा दो मिनट कर रहे हो करो। नमन सही है करता नमन ने। शीता मार्कंड नहीं। वरुण नहीं। इनायत नहीं। मुस्कान ये कैपिटल M क्या है? अच्छा M2 और स्मॉल M। मुस्कान जरा इसको M1 M2 में भेजो। ठीक है तुम्हारा। हाँ मुस्कान वैसे सर देखना तुषिता का नहीं। रिदम नहीं। अर्शिया नहीं। महक करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। नाहिद ना। मुस्कान ना। सुरभि सिमरन ना। हाँ तुम लोगों ने कुछ बच्चों ने M1 M2 उल्टे ले लिए जिसकी वजह से आंसर गड़बड़ हो रही है। M1 लेफ्ट वाला मास है। चलो अब देखो इधर M2 जो है ये M2 पे लगाएंगे अभी। M2 पे टेंशन किधर को लगेगी? सर मेरा देखना एक बार आंसर। मैं वो सेंड किया है। निवेदिता हाँ करेक्ट है। सर मेरा भी देखना एक बार। सिमर नहीं। अब बताई दो। बताई देता हूँ ना। सर आएगी आंसर अब तो बताई दो। मेरा तो सही है ना सर। ओके M2 पे टेंशन किधर को लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। व्हिच इज लेट्स से T2। इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? नेट फोर्सेस T2 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर। यहां पे ओमेगा या V कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और R इसका रेडियस कितना है? L1 plus 2L। M1 पे लगाते हैं। M1 पे फोर्सेस T2 एंड T1 दोनों साइड लगेंगी। जो T2 है वो राइट की तरफ लगेगा और T1 जो है वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। यस सर। अब T1 माइनस T2, T2 माइनस T1। T1 माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर। इसका रेडियस L L। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मार दो। डिवाइड करेंगे तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर L डिवाइडेड बाय M2 omega square 2L which is M1 by 2M2। सर मैंने ये तो देखा था सर। अच्छा था। अब तो वहां पे T1 minus T2 ही तो है। अभी हो गया। सर मेरा सबसे पहला आंसर यही पे था। था। ओ, अरे ओ, लेकिन अभी minus T2 भी तो पड़ा है। खत्म तो कर लेने दो मेनू क्वेश्चन। अच्छा अभी ये रेशियो आ गई क्या टेंशन की? T1 minus T2 बढ़ा उधर। तुम्हें चाहिए क्या? T1 by T2 चाहिए। यस।
इवन बाय टू माइनस इसको अलग अलग करेंगे माइनस वन इज इक्वल टू एम वन डिवाइडेड बाय टू एम टू वन को उधर लेके जाओ टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू एक्साइट हो गए तुम लोग एम वन प्लस टू एम टू डिवाइडेड बाय टू एम टू आंसर रेशियो ऑफ टेंशन पूछी है उसने टी वन बाय टी टू ही होगी ना मैंने ना एम वन एम टू उल्टा ले लिया इसलिए चलता है तो वरना यही आंसर आ रहा था चलो ठीक है नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं दैट इज डेथ वेल हेडिंग बनाएंगे दो मिनट सर क्यों सर हल्का सा रह गया सर बस हल्का सा सुपर वाली लाइन रह गई अबे यार जल्दी लिखा कर ले डेथ वेल मौत का कुआं सर ये क्यों लिख दिया साथ में क्या तेरी मौत का कुआं क्या लिख दिया ऐसी थोड़ा फीलिंग आ जाएगी पर मैं डेथ वेल से भी इतनी फीलिंग आ रही है ओके तो आज नहीं आया दिव्यांश आज नहीं नो सर यस दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ओके तो यहाँ पे जो गाड़ी है जो हमने अभी देखी वैसे चल रही है दिस इज दीज आर द व्हील्स और ये उसके ऊपर गाड़ी अब ये जो गाड़ी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है और इसका जो सर्कल है वो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे जिसका सेंटर ये है राइट अब इस गाड़ी पे फोर्सेस बनाते हैं एफबीडी बनाओ इस गाड़ी की क्या क्या लगेगा बोलो सर नॉर्मल नीचे को क्या लगेगा वेट लगेगा नॉर्मल इधर को लगेगा और तो कुछ भी नहीं और कुछ लगेगा वॉल पे भी तो लगेगा सर यस तो नीचे खिसकने से कौन रोकेगा सर नॉर्मल जो वॉल लगा दे फ्रिक्शन सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन किधर को लगेगी ऊपर नॉर्मल के ऑपोजिट एमजी के ऑपोजिट एमजी के ऑपोजिट लगेगी नॉर्मल के ऑपोजिट अंदर थोड़ी घुसेगी फ्रिक्शन ऊपर लगेगी जब नीचे गिरने की टेंडेंसी है ना उसके इसीलिए हां तो नीचे इसको किसने रोक रखा है नीचे गिरने से फ्रिक्शन ने रोक रखा है ठीक है नॉर्मल जो है वो फोर्स दीवार ने इस गाड़ी पे लगाई एम जी इसका खुद का वेट है ये हो गई इसकी फोर्सेस ठीक है अब ये गाड़ी ना गिरे उसके लिए फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी हाँ के ना यस यस तो पर हाँ जी फ्रिक्शन तो मोशन के अगेंस्ट नहीं लगती फ्रिक्शन बिल्कुल मोशन के अगेंस्ट लगती है एक फ्रिक्शन वो भी लगेगी वो फ्रिक्शन भी लगेगी जी हाँ यू आर करेक्ट वो फ्रिक्शन भी लगेगी वो लगेगी बिल्कुल जो मोशन है यू समझ लो अगर मैं जो स्क्रीन पे यहाँ पे फोटो बना रखी है तो ये गाड़ी मेरी तरफ आ रही है ठीक है तो फ्रिक्शन उसके पीछे की तरफ लगेगी बट वो फ्रिक्शन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है हमें कौन सी फ्रिक्शन चाहिए जो इसको नीचे गिरने से रोक रही है हमें उस फ्रिक्शन की यहाँ पे चर्चा करनी है मतलब एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी और एक काइनेटिक यस करेक्ट एक्चुअली जो फिलहाल के लिए यस करेक्ट तो फॉर सेफ राइट दैट इज द कार विल not fall down if friction is greater than equal to mg
अब फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू एन क्या होता है, म्यू इनटू एन, म्यू इनटू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एमजी. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अब बारी है सेंट्रीपेटल फोर्स की. नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. और कौन सी फोर्स है यहाँ पे, नॉर्मल नॉर्मल इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर. हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर. यहाँ पे हम वी की बात करें, गाड़ी की स्पीड वी में देखेंगे. एम वी स्क्वायर बाय आर, इसकी वैल्यू ऊपर डाल दो. देयरफॉर म्यू इनटू एम वी स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी. फिर एम एम कट गया, एम एम उड़ेगा, तो वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय म्यू. जी आर बाय म्यू. Therefore, जो v मिनिमम है वो मेरे पास क्या आएगी, आर जी बाय या जी आर बाय आर जी बाय म्यू. दिस इज द मिनिमम स्पीड जिसके साथ उसको गाड़ी भगानी पड़ेगी. अगर इस स्पीड से कम हो गई गाड़ी तो वो नीचे सिर्फ v स्क्वायर मिनिमम नहीं होगा, रूट ही नहीं होगा. हाँ, रूट आएगा, रूट नहीं लेंगे. हाँ, रूट आएगा, बिल्कुल आएगा. रूट ऑफ जी आर बाय म्यू इसकी कम से कम स्पीड होगी ताकि वो नीचे ना गिरे. अगर इससे कम हो गई तो वो नीचे गिर जाएगा. सर लर्न करना है क्या, ये लर्न करना है? नहीं, ये याद मत करो, निकाल लेना. म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं वो, मतलब जो इंजीनियर्स ये बनाते हैं उसके तरीके तो अलग हैं. वो तो नॉर्मल सरफेस है ना, तो सरफेस के साथ वैसे किया जा सकता है. अप्लाइड मिनिमम फोर्स लगा के एफ स्टैटिक को यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है. ओके सर. नोटेड? यस सर. यस सर. तो दिस इज द मिनिमम स्पीड विद व्हिच the car should be driven so that it does not fall. I strongly recommend don't remember this formula क्योंकि दो तीन केस हम आगे कैसे करेंगे, किसी में म्यू ऊपर है, किसी में आर नीचे, किसी में जी नीचे, कुछ भी ये ऊपर नीचे होता रहता है. कभी किसी का फॉर्मूला म्यू जी आर आएगा, ठीक है, किसी में आर नीचे आ जाएगा, तो उलझ जाओगे कि किस में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है. तो यूज द कॉन्सेप्ट, फोटो बनाओ, एफबीडी बनाओ, उससे इक्वेशन निकाल लो. 5 सेकंड लगेंगे ये फॉर्मूला बनाने में, ठीक है. अगर कंसेप्ट याद है तो कोई चक्कर नहीं है. Next application is conical pendulum. And what is that? Conical pendulum. Conical pendulum क्या है? जैसे एक simple pendulum एक धागे के साथ एक ball लटकी है, जैसे कोई metal होता है, metal मिला दिया लोगों को, है ना? तो metal को क्या किया हमने, नीचे ऐसे लटका के और उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, तो वो एक कोन की तरह शेप ले लेगा. हाँ के ना? यस सर. यस सर. दैट इज द कॉनिकल पेंडुलम. ये कुछ ऐसा घूमेगा. ठीक है, तो इसको ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये ऐसा घूमता रहेगा. अब ये जो बॉब है इसके ऊपर फोर्सेस बनाते हैं.
कौन कौन सी फोर्स बनेंगी इस पे? सर टेंशन फोर्स. टेंशन. एक तो टेंशन बनेगी किधर? अलोंग द स्ट्रिंग. ऊपर. अलोंग द स्ट्रिंग. अलोंग द स्ट्रिंग बनेगी. और एमजी बनेगी नीचे की तरफ. सर सेंट्रिपिटल फोर्स. तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स बनानी नहीं है हमने. सेंट्रिपेटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं होती. इन्हीं में से कोई फोर्स जो है वो सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी. मान लो ये जो टेंशन का कंपोनेंट है, टेंशन का कंपोनेंट, एक्जेक्टली टेंशन का कंपोनेंट ही एक्ट करेगा यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स. मान लो दिस एंगल इज थीटा. टेंशन को तोड़ते हैं दो हिस्सों में. टी साइन थीटा एक्ट करेगा. हाँ, इस तरफ कितना आएगा टी निकालना भी तो हो सकता है. ऑब्वियसली मतलब कुछ ना कुछ तो गिवन होगा. भावना समझो भावना. ठीक है तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा पता लग गया. अब कौन किसके बराबर होगा? जरा इक्वेशन लगाओ. t cos theta बराबर होगा mg के. और t sin theta बराबर होगा centripetal force के. करेक्ट. तो हियर t sin theta acts as centripetal force. Therefore t sin theta is equal to m omega square r या फिर v square by r कुछ भी ले लेते हैं. ठीक है डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन कि आपको वी पूछा है या ओमेगा पूछा है. तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर आर ले लूं एंड टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एमजी. दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट टैन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय जी. ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी. तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा? तो क्वेश्चन कई बार ये आता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉनिकल पेंडुलम. अब टाइम पीरियड और ओमेगा का क्या रिलेशन है? ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. 2 पाई बाय टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा मेरे पास. देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन g tan theta. Noted. Yes, sir. यहाँ पे ये आर कौन सा है? What is R here? Radius. इसका radius है. Cone का. Sir जो वो cone के base. Cone के base का. ये जो radius है ये cone के base का radius है. This is R. अब by chance अगर cone का base नहीं दिया हुआ हमें, ये radius नहीं दिया हुआ, ठीक है? तो length of the string दे रखी है हमें. मान लो दिस इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? तो वी कैन रिप्लेस दिस आर को टेन थीटा से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं. दिस एंगल इज थीटा. यस सर. वो निकाल लेते हैं. एच है. लेट्स से दिस इज एच. ठीक है तो कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज करके जो चीज इनमें से गिवन है वो यूज कर लो. ठीक है सपोज अगर तो लिखा वहां पे ना भी था क्या आपने थीटा क्यों लिखा यहाँ पे? कहाँ पे? दूसरी तरफ. और दोनों साइड थीटा ही होगा. हाँ ठीक है. इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी था वो पाइथागोरस थ्योरम थी क्या? टेंथ में पढ़ा था हमने. कौन चैप्टर में? पाइथागोरस ही होगी वो. कुछ ना कुछ डिपेंडिंग ऑन. मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूले रटवा नहीं रहा तुम लोगों को. ये वाला फॉर्मूला याद कर लो. यहाँ पे पाइथागोरस लगाना या साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा इनमें से कुछ लगाना तुम लोगों का समाधान हो जाएगा. इधर समझ रहे हो सर? हाइट कोन ऑफ द हाइट जो है क्या कोन की हाइट है उनकी हाइट है जो एच है जो कोन की हाइट है.
L sir hypotenuse है. This is height of the cone. L जो है this is length of the string. Slant height of the cone है. And R जो है that is radius of the base of the cone. ठीक है, तो depending on what is given, use that. Right? Don't remember this formula. So, next है third, fourth application. वो जो हमने छतरी वाली देखी. Particle in a rotating bowl. तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल से बना लो, मतलब हेमिस्फीयर बनाना है हमें. And this bowl is rotating, जैसे कि हमने अभी देखा. तो बॉल obviously non rotating bowl में जो बॉल है वो यहाँ पे रहेगी, सेंटर में आ जाएगी. अगर इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, let's say बॉल जो है वो यहाँ पे आके उसने अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया. ठीक है, now can you tell me जो इसका ये जो बॉल है, इस बॉल के अंदर जो बॉल है उसका जो सर्कल है, उसका जो सर्कुलर पाथ है, वो उसका सेंटर कहाँ होगा? क्या उसका सेंटर ये होगा जो मैंने अभी मार्क किया ऊपर? No, या उसका सर्कल यहाँ पे होगा? यहाँ पे लाइन बना रहे हो, यहाँ सेंटर होगा. यस इमेजिन कर पा रहे हो? यस. तो दिस विल बी द सेंटर, है ना, दिस विल बी द सर्कल और उसका सेंटर वो होगा. ठीक है, ये उसका होगा. सर्कल जिसका ये है सेंटर. और ये जो पॉइंट है, पॉइंट लेट्स से ए, ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना. ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं. लेट्स से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल एंड स्मॉल आर जो है वो इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस है. इनमें से कोई एंगल थीटा मान लो, लेट्स से हम ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं. लेट्स से थीटा, लेट्स से थीटा. ओके, अब ये जो बॉल है इसकी एबडी बनाएंगे. क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं इस बॉल पे? नॉर्मल एंड एमजी. करेक्ट, एमजी लगेगी बिल्कुल. कहाँ पे? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगी. डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यस, ये लगी एमजी नीचे की तरफ. एंड नॉर्मल किधर को लगेगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस. परपेंडिकुलर टू सरफेस जो कि यहाँ पे आएगा. दिस इज द नॉर्मल फोर्स. इसमें नॉर्मल का कॉम्पोनेंट करेगा. एग्जैक्टली, यहाँ पे आएगा नॉर्मल का कॉम्पोनेंट. अब नॉर्मल का जो कॉम्पोनेंट है n sin theta sir. हाँ, ये वाला कॉम्पोनेंट, वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा? n cos theta. n cos theta. cos theta. और इधर
इस तरफ होगा नॉर्मल का एन साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा अगर अंदर जगह है तो अंदर बना लो अदरवाइज बाहर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है दिस इज एन नहीं तो हॉच पॉच हो जाएगी डायग्राम समझ में नहीं आएगी तो एन साइन थीटा आएगा राइट की तरफ जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है और एन कॉस थीटा जो है वो अपोजिट टू एम जी है नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है तो एन साइन एन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा mg और n sin theta किसके बराबर हो जाएगा centripetal force centripetal force correct so here n sin theta provides acts as centripetal force centripetal force therefore n sin theta mere paas aayega m v square by r ya fir m omega square r and n cos theta aayega mg ke barabar ठीक है दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो आई विल गेट tan theta is equal to omega square r by g अब यहां पे r is again the radius of the ball motion radius of the circle जिसमें बॉल घूम रही है ये radius of the ball नहीं है है ना yes sir तो radius of the और हमें ये रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं दिया होता वैसे इसमें 99% केसेस में रेडियस ऑफ द सर्कल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस ऑफ द बॉल के टर्म्स में तो वो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिगनो लगा सकते हैं यहाँ पे साइन कॉस टेन आर और आर में क्या रिलेशन आएगा साइन sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So therefore, मेरे पास जो r है वो क्या आ गया? r sin theta. r sin theta. वहाँ पे replace कर देंगे हम. तो tan theta is equal to omega square by g into r sin theta. और tan theta क्या होता है? sin by cos. sin theta कट जाएगा फिर. साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो साइन साइन उड़ेगा तो मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी अपॉन आर कॉस थीटा यस सर यस देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन आर कॉस इज इक्वल टू अगर टाइम पीरियड पूछा है तो 2 पाई बाय टी डिपेंडिंग ऑन कि क्या पूछा है आपको ना यहाँ पे कुछ भी हम ले तो इसी तरह से आपको कोन वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है कर सकते हो यस यस सर यस कौन से क्वेश्चन में सर कोन वाले में जो ऊपर वाला हमने किया यस सर इसमें भी आर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम एल की टर्म्स में या एच की टर्म्स में तो क्वेश्चन में एच दे रखा है या एल दे रखा है उस पर डिपेंड करता है तुम आर को किस में कन्वर्ट कर लोगे नहीं तो साइन लगा लेना नहीं तो कॉस लगा लेना कुछ भी मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ डोंट क्रैम दीज फॉर्मूले अंडरस्टैंड कि हम इनको निकाल कैसे ठीक है अदरवाइज ये क्वेश्चंस में उलझ जाओगे तुम लोग अगर रट्टा मारोगे फॉर्मूलों को सर एक बारी आर एंड आर बता दो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल आर एंड कैपिटल आर क्या चीज है स्मॉल आर यहाँ लिख लो चाहे स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ द Balls motion. Circle. Motion. Covered by ball. The ball. And capital R है radius of the ball. Got it? Yeah. क्वेश्चन देते हैं
ये क्वेश्चन करो. अनुरीत करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, पूर्वा करेक्ट, मिलन करेक्ट, तुषिता करेक्ट, नो जुरावर, करण करेक्ट, सिमर करेक्ट, गुरकर्मन करेक्ट, सिमरन करेक्ट, वंशिका करेक्ट, गौरी मेहता करेक्ट, लवप्रीत ना. देखो अगर इस सिस्टम को सारे को रेस्ट पे रखा जाए तो कुछ नहीं होगा ना, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा, कुछ नहीं हो रहा. लेकिन जैसे ही इसको घुमाने की कोशिश करेंगे हमने तो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा. क्यों स्ट्रेच हो गया? क्योंकि ब्लॉक जो है वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है तो स्प्रिंग को खींचेगा. लेकिन ब्लॉक को कौन रोकेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स. नहीं नहीं, रोकेगा कौन उसको, घुमा कौन रहा है सर्कल में, कौन सी फोर्स? स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स करेक्ट. जो एक्चुअल में जो फोर्स इसमें जो फिजिकल फोर्स लग रही है दैट इज स्प्रिंग फोर्स, उसका अंदर है. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस पे किस तरफ लग रही है? डब्बे पे. राइट. राइट कौन बोल रहा है? लेफ्ट की तरफ. नहीं सर, किस तरफ लग रही है? लेफ्ट की तरफ लग रही है. मैंने नहीं बोला. अच्छा ठीक है, तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो लगेगी लेफ्ट की तरफ, एफ एस, और ये जो डब्बा है वो ऐसे सर्कल में घूमेगा. इमेजिन कर पा रहे हो क्या सिचुएशन है यहाँ पे? ठीक है,
यस चलो तो यहाँ पे विच फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपेटल फोर्स Fs Fs बराबर होगी सेंट्रीपेटल फोर्स के और Fs का फॉर्मूला क्या होता है kx यस और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर r m ओमेगा स्क्वायर r यूज करेंगे यहाँ पे क्योंकि ओमेगा में दे रखा है तो हम यहाँ पे ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे एंड कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस 0.5 meters में जो यहाँ पे आएगा 0.5 प्लस x आएगा जो रेडियस बनेगा इसका 0.5 इसकी natural length ये 0.5 लेकिन ये टोटल कितनी हो जाएगी 0.5 plus x तुम लोगों ने 0.5 लेके किया सवाल तो दिन का आंसर सही है क्या लिया आर की वैल्यू क्या ली थी तुषिता 0.5 ली थी बाकी वंशिका गुरकर्मन सिमरन क्या लिया तुमने 0.5 ली थी ठीक है एक्चुअली क्या है इसमें जो आंसर आएगा approximately आ जाएगा बिल्कुल अगर हम 0.5 plus x भी ले लेंगे तो बिल्कुल उसके पास आ जाएगा तो टेक्निकली सही और वही बनेगा k की वैल्यू सब बाकी सब हमें दे रखी है k की वैल्यू क्या दी हुई है 100 into x is equal to mass की वैल्यू दे रखी है 0.5 ओमेगा की वैल्यू दे रखी है रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर into 0.5 plus x ठीक है तो यहां से मेरे पास x को सॉल्व करके आ जाएगा 1 सेंटीमीटर गॉट इट यस यस सर यस सर अगला क्वेश्चन हाँ जी इसमें कोई फोर्स जो बाहर के साइड पे भी लगेगी ना सर जो बाहर मतलब सर ब्लॉक पे कोई ऐसी फोर्स लगेगी ना जो उसको बाहर की साइड वो करेगी बाहर की तरफ तो क्यों लगेगी कोई फोर्स मतलब आपने बोला ना कि ब्लॉक बाहर को जाना चाहता है मतलब टेंजेंशियल इनर्शिया के कारण जाना चाहता है वो तो बाहर की तरफ सर तो उसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए इनर्शिया के कारण देखो हाँ उसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए ओके सर सो सो कल की क्लास का सिर्फ आधे घंटे का ही लेक्चर था हाँ कल बातें ही बहुत की हमें कैसे पता चला कि हमने स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली रखना है या वर्टिकली लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल अब टेबल तो मतलब खड़ा तो नहीं होगा ओके सर गुरकर्मन हमारा आंसर सर 0.5 आंसर सेम अरे 0.5 से एग्जैक्ट आ जाएगा वन अगर 0.5 प्लस एक्स लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वन आ जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 0.5 के हिसाब से दे बट तुम लोगों को मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका बताया कैसे सॉल्व करना है अनुरीत करेक्ट क्या बात है पहले वाला भी तुमने दिया सबसे पहले करेक्ट पूर्वा नहीं अर्शिया सिमर करेक्ट हाँ नमन क्यों
हो सकता है। नहीं अर्जिया, कुशल गर्ग करेक्ट। करण करेक्ट। मिलन नहीं। आर्यन करेक्ट है। अंतरा नहीं। गौरी जोरावर करेक्ट। तुषिता गुरकर्मन करेक्ट। भाविका नो। वरुण ऑप्शन बता। ओके किसको टिक करेगा नीट में? यस सिमरन, मुस्कान, निवेदिता, मिलन, सुरभि करेक्ट। प्रबल ना, वरुण ना। अबे क्या कर रहा है वरुण, क्या हो गया तेरे को? यहाँ पे कौन सा केस लगेगा बच्चों? सर दो मिनट। एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला, डेथ वेल वाला। डेथ वेल वाला सर, ऑप्शन देखना एक बार। हाँ शायद ठीक है, अभी इसमें लगेगा डेथ वेल वाला केस। ठीक है वाला क्या? डेथ वेल वाला क्यों लगेगा? सर क्वेश्चन दिखा दो, मैंने लिखा नहीं अभी। सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ देखो उसने क्या किया है। वर्टिकल, हाँ ठीक है, वर्टिकल हॉलो सिलेंडर है, उसके साथ बंदा जो है वो चिपका हुआ है, मतलब चिपका ऐसे ग्लू से चिपका नहीं हुआ, उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, और वो सिलेंडर गोल गोल घूम रहा है, बंदे की जगह सिलेंडर घूम रहा है, ठीक है, तो और उसके जो फीट है दे आर नॉट टचिंग, फीट आर नॉट टचिंग द ग्राउंड, दैट मीन्स उसकी जो नॉर्मल है उसके कारण फ्रिक्शन लग रही है, हाँ फ्रिक्शन, और वो उसको बचा रही है नीचे गिरने से, और नॉर्मल जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। यस सर। तो इसकी एफबीडी बनाएंगे, फोटो पहले तो फोटो बना लिया करो। सर सिलेंडर अपनी जगह पे ही घूम रहा है ना? बिल्कुल अपनी जगह पे ही घूम रहा है, शक्तिमान की तरह इधर उधर नहीं जा रहा। ओके सर। तो जो बंदा है वो इधर ऐसे बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह चिपका हुआ था, तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल लगेगा इधर n, तो n will be equal to m, ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाय आर? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा ही फाइंड करना है ना, तो इसलिए, और f should be equal to mg, और f होता है mu into n is equal to mg, है ना, तो म्यू की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी, एम उड़ाओ, फाइंड हमें ओमेगा करना है, ओमेगा क्या आएगा, रूट ऑफ जी बाय म्यू आर, म्यू आर, ठीक है। अब जो ऊपर हमने फॉर्मूला निकाला था वो वी का निकाला था, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ओमेगा की, है ना, yes. वहां पे आर ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ गया, तो इसलिए नहीं मारना फॉर्मूलों को, इक्वेशंस लगाओ, कंसेप्ट लगाओ और फॉर्मूला निकाल लो, उसे टाइम वैल्यू पुट कर दो, बाकी तो यहां पे जी 9.8 लेना पड़ेगा, 9.8 लेना पड़ेगा, 9.8 ले लेते हैं, क्या 10 लेके सर, मैंने तो 10.4 है,
10-10 निकल जाएगा सर, 10-10 निकल, कोई नहीं, मेरा तो 9-20 निकला था। ठीक है, ऑप्शंस देख देख लेते हैं, 10 के साथ भी ठीक आ रही है सर। ठीक है, आरपीएल इधर रखिए 2। ठीक है, कैसे होगा सर, 100/8 आ जाएगा। अच्छा, 9.8 से क्या आ रहा है, हो जाएगा, अब चेक, 10/2 बाहर आ गया, रूट टू, 1/√2 अंदर रह गया, 5/√2 कर लो सर, उसमें सॉल्व कर लो, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5। ठीक है, चलो जी, तो ये तो कुशल गर्ग करेक्ट, मिलन करेक्ट, करेक्ट है सबका, अनुरीत, निष्ठा, निवेदिता, गौरी, सिमरन, अर्शिया, करण, मुस्कान, नमन, ठीक है सबका, सिंपल है क्वेश्चन, उचिता करेक्ट। पूर्वासुर भी कुशल गुरकर्मन करेक्ट, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी फोर्स विल बी एक्टिंग एज सेंट्रिपेटल फोर्स, टेंशन, ठीक है, तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स है यहाँ पे, और टेंशन मैक्सिमम टेंशन उसने बता रखी कितनी है, 9 सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला m mv स्क्वायर बाय r, यहाँ पे v स्क्वायर बाय r यूज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो 9 इज इक्वल टू 5.5 इनटू v स्क्वायर बाय r की वैल्यू है 2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6, v स्क्वायर 36, v आ गया 6, got it? Yes sir. ठीक, next application है, application number 5, application number 5 है, 5 motion of a vehicle on a turn, अब बात आएगी फ्रिक्शन और बैंकिंग की, ठीक है, तो टर्न करने के लिए जब हम टर्न करते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जब कोई व्हीकल टर्न करता है तो उस टाइम पे विच फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे रिस्क होता है जैसे माउंटेन वगैरह वहां पे, और साथ में क्या ऐड कर दिया जाता है, बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग,
बट प्लेन्स में यहाँ पे नॉर्मल पटियाला में नब्बा में ऐसे तो यहाँ थोड़ी है बैंकिंग ऑफ रोड्स है ना, यहाँ तो नहीं देखी तुम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड्स, यहाँ पे तो कौन सी सिर्फ फोर्स बचाएगी, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही है जो स्लिप करने से बचाएगी, जो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसके तीन केसेस हैं इसमें। नंबर वन, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। नंबर टू, हम सिर्फ बैंकिंग को स्टडी करेंगे। एंड नंबर थ्री, फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग। तो इन दोनों में से प्रैक्टिकल केसेस नंबर वन एंड थ्री हैं, जिसमें या तो फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग है। गॉट इट? फर्स्ट, यस सर। तो इसमें केस नंबर वन है, व्हेन ओनली फ्रिक्शन प्रोवाइड्स दी सेंट्रिपेटल फोर्स। फोटो बना लो। तो इसके एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, जिसकी वजह से नॉर्मल लगेगी ऊपर की तरफ n, और इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग राइट की तरफ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब सर्कल से बाहर की तरफ है, तो फ्रिक्शन लगेगी लेफ्ट की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स, दैट मीन्स म्यू n will be equal to mv square by r, that is mu into mg will be mv square by r. तो यहां से मेरे पास जो v की वैल्यू आ गई, that is mu rg. अब यहां पे mu rg तीनों ही ऊपर आ गए। ठीक है, हर एक केस में फॉर्मूला डिफरेंट बन रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये मेरे पास वेलोसिटी आई कि अगर मुझे इस ट्रैक पे चलना है जिसका रेडियस, ये आर क्या चीज है, इस ट्रैक का रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, इस ट्रैक का रेडियस है आर। तो इस रेडियस, इस ट्रैक के रेडियस पे अगर मुझे चलना है तो मुझे वेलोसिटी वी पे चलना पड़ेगा। टेल मी, इफ आई इंक्रीज द वेलोसिटी वी तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आया, स्लिप आउटवर्ड, स्लिप करेगी बाहर की तरफ, स्लिप कर जाएगा और उसका रेडियस जो है बढ़ जाएगा। हाँ कि ना, तो बाहर की तरफ स्लिप करेगा और एक बड़े चक्कर में, रेडियस में बड़े चक्कर में वो घूम सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है वेलोसिटी और रेडियस जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है। तो अगर v बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे मैं अगर v बढ़ाता हूं तो मैं ज्यादा रेडियस के चक्कर में घूम पाऊंगा, स्मॉलर रेडियस के चक्कर में घूम नहीं पाएंगे। ठीक है जी, चलो यहां तक लिख लिए, इसके स्टार पॉइंट्स लिखते हैं। If the velocity v is increased, then the radius of the circular motion r also increases.
दैट इज द बॉडी विल नाउ मूव इन सर्कुलर पाथ इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ ग्रेटर रेडियस. As the body slips outwards, ये भी लिख सकते हैं साथ में. As the body slips, yes kids, outwards. ठीक है, तो ये तो केस हो गया अपना सिंपल फ्रिक्शन का. अब हम केस टू करते हैं जिसमें सिंपल बैंकिंग होगी. केस वन में क्या था, व्हेन ओनली फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स. केस टू में होगा व्हेन ओनली बैंकिंग प्रोवाइड द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके जी, हाँ, when only banking of road provides the yeah frictional force likh diya maine, kya likh raha hu, provides the centripetal force. ye photo tum log zara is hisab se bana lena. इसकी एबीडी बनाएंगे, वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नॉर्मल किधर को लगेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट. परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो मतलब नॉर्मल कुछ ऐसे लगेगी. यस यस, दिस इज द नॉर्मल. लेट्स से जो बैंकिंग एंगल है दैट इज थीटा. This angle is theta. ठीक है, तो normal को दो हिस्सों में तोड़ देंगे. Normal को दो हिस्सों में तोड़ दिया. कौन सा वाला cos होगा? ऊपर वाला. cos ऊपर वाला. cos ऊपर वाला होगा. Yes sir. This is n cos theta and this is n sin theta. ये पता लगा ये वाला एंगल थीटा होगा. यस सर. यस सर. यस सर. दिस एंगल इज थीटा. तो इसमें एन कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एम जी. एम जी. और एन साइन थीटा centripetal force. Centripetal force. Therefore, n sin theta will be equal to m v square by r, and n cos theta is equal to mg. So, यहाँ से मेरे पास tan theta आ जाएगा.
वी स्क्वायर बाय जी आर देयरफॉर वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा टैन तो v मेरे पास आ गया रूट ऑफ आर जी टैन थीटा अगर इस वेलोसिटी से बढ़ाते हैं हम स्पीड तो क्या होगा रेडियस बढ़ जाएगा रेडियस बढ़ जाएगा गाड़ी किस तरफ ऊपर को जाएगी गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी करेक्ट इट विल स्किड आउटवर्ड्स अगर इस वेलोसिटी से हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करेगी और बड़े रेडियस में चक्कर मारेगी लेकिन उसके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है कहां तक जा सकती है सिर्फ यहां तक ही जा सकती है यहां तक अगर इससे और बढ़ा दी तो गिर जाएगी खाई में गिर जाएगी ठीक है इसलिए ज्यादा हवा में नहीं आने चाहिए ठीक है और अगर स्पीड कम कर दी इसने तो क्या होगा नीचे को चली तो आगे जाएगी गिरेगी है नीचे की तरफ छोटे सर्कल में छोटे रेडियस के सर्कल में चक्कर काटेगी हाँ के ना यस सर ठीक है तो सिंपल सी बात राइट चलो आज का टाइम हो गया इस पॉइंट्स को मैं तुम लोगों को अगले लेक्चर में कल को लिखवाता हूँ यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्लास ठीक है थैंक यू सर यस थैंक यू सर ओके बाय बाय Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Sir? हाँ जी. Sir, ये banking of road मतलब वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी ना sir जैसे mountain area में होता है. बिल्कुल. वहाँ पर turn होते हैं. हाँ, बिल्कुल जहाँ पे risk होता है ना life का वहाँ पे. Yes. जहाँ पे ज़्यादा required है. पर sir वहाँ पे साथ में friction भी होगी ना. Friction तो होती है obviously. Yes, sir. होमवर्क मैं देखता हूँ आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप ठीक है चलो ठीक है